बस स्टॉप पर। मैं ट्रेन स्टेशन के अंदर आ गया हूँ और ट्रेन स्टेशन ऐसा लग रहा है किसी कंट्री का एयरपोर्ट है। यहाँ पे अभी ट्रेन खड़ी हुई है, पीछे देख सकते हैं हरम का व्यू आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी ही सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करो। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं मक्का मुकर्रमा में हूँ, तो आज मैं करने जा रहा हूँ ज़ियारत, तो आपको भी ज़ियारत करवा दें। आइए चलते हैं, अभी नीचे जाते हैं फिर हम लोग जाते हैं बस स्टॉप पर। मैं रूम से नीचे आ गया हूँ और होटल के रिसेप्शन पर मौजूद हूँ और अभी जा रहा हूँ बस के लिए ज़ियारत वाली बसेज जो हैं वाइट वाली जो आई थिंक यहाँ पे फ्री चल रही हैं, तो उसके बारे में भी आपको बताता हूँ कि किस तरह प्रोसेस होगा, कहाँ से मिलेगी। तो आइए चलते हैं, सामने से जा रही हैं पर इसका स्टॉप पर जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये स्टॉप पर छोड़ती हैं और स्टॉप पर ही उतारती हैं। तो चलते हैं और स्टॉप ढूंढते हैं इसका। हमने ये बस स्टॉप बना हुआ है वाइट कलर का जो बना हुआ है, हमें यहाँ पर जाना है और यहाँ से बस मिलेगी। अपने होटल से लेके यहाँ तक बस स्टेशन जो बना हुआ है हरम का, हम लोग बस में आ गए और यहाँ से हम लोग हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मस्जिद आयशा, अब हम लोग वहाँ पे जाएंगे। आयशा पर पहुंच चुका हूं और अब इसके अंदर चलते हैं। मस्जिद आयशा में हाजी इसलिए आते हैं अगर उनको दोबारा उमरा करना होते हैं तो यहां पर आके नफिल पढ़ते हैं और फिर हरम जाते हैं। और एक हदीस भी है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उमरे का पूछा तो सरकार ने फरमाया इस मकाम पर चले जाओ, जब से इस मकाम का नाम मस्जिद आयशा बोला जाता है इस मकाम को, तो फरमाया वहाँ पे जाके अहराम बांधो और उमरा अदा करो। अब आइए इसके अंदर चलते हैं। पीने के लिए यहाँ पे जमजम रखा हुआ है, आप यहाँ पे आकर अगर थक जाएँ तो पानी भी पी सकते हैं। और सामने अब आइए अंदर चलते हैं। मस्जिद आयशा से हम लोग हरम वापसी आ गए थे और अब जा रहे हैं मक्का ट्रेन स्टेशन, और मक्का ट्रेन स्टेशन के लिए हमें गाड़ी मिलेगी जबले उमर 8 नंबर से। आइए चलते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ मक्का ट्रेन स्टेशन, वहाँ से हम लोगों ने मदीना जाना था, वहाँ से हम लोग टिकट्स वगैरह बाय कर लेते हैं, ऑनलाइन मिल नहीं रही है। और पीछे देख सकते हैं हरम का व्यू आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं अब मक्का स्टेशन। हाँ वीज़ा नहीं है, वीज़ा 1 महीने का, 1 महीने का लगता है 15 दिन का वीज़ा। मक्का स्टेशन पहुंच चुका हूं मैं और मेरे पीछे देख सकते हैं मक्का स्टेशन है। अब यहां से हम लोगों ने अंदर जाके मदीना की टिकट बाय करनी है कल की,
और टिकट मिल गई, वैसे ऑनलाइन नहीं आ रही थी टिकट, अब मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ अगर मिल गई ले लेंगे, वरना फिर हमें टैक्सी में जाना पड़ेगा। मैं ट्रेन स्टेशन के अंदर आ गया हूँ और ट्रेन स्टेशन ऐसा लग रहा है किसी कंट्री का एयरपोर्ट है। हमारे एयरपोर्ट से तो काफ़ी अच्छा ही लग रहा है भाई ये ट्रेन स्टेशन। नीचे जाके टिकट काउंटर है, टिकट लेते हैं, अगर अल्लाह करे टिकट मिल जाए भाई कल की। ऑनलाइन सस्ती मिलती है और यहाँ पर डायरेक्ट लेंगे तो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। भैया आ गया टिकट ऑफिस, अब यहाँ से अंदर जाके हम टिकट बाय करते हैं। टुमारो डेली रिजर्वेशन। अभी टिकट काउंटर पे जाके मैंने पता करा तो उन्होंने बोला है डेली रिजर्वेशन होती है, तो मुझे कल ही आना पड़ेगा। ऑनलाइन उनकी वेबसाइट चल नहीं रही आई थिंक आज, तो उन्होंने कल ही आना और कल ही रिजर्वेशन होगी, और आज वाली जो है और उसमें जाना है तो रात 12 बजे ट्रेन जाएगी, अगर जाना है तो उसमें चले, पर हमें कल जाना है सुबह। तो कल हम लोग दोबारा स्टेशन नहीं आएंगे बल्कि बाय रोड चले आएंगे। अगर हम लोग इसमें जाते तो हमें 2 घंटे या 3 घंटे में पहुँच जाते। अब हम लोग बस में जाएंगे या टैक्सी में जाएंगे तो उसमें लगेंगे मिनिमम 4 घंटे। यहाँ पे अभी ट्रेन खड़ी हुई है और हमें कल जाना है और कल हम लोग इसमें जा नहीं सकेंगे। इस वीडियो को करते हैं यहीं पर ही एंड, मिलते हैं किसी और वीडियो में। यू शुड डू सब्सक्राइब लाइक कमेंट्स एंड शेयर। ऑल्सो इफ़ यू नीड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूर पैकेजेस, टिकट्स एंड उमरा पैकेजेस, सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।